everyone welcome back again to my YouTube channel learn biology concept so how are you all guys I hope all of you are well so today I am here again for you guys with a new topic which is the soapma right soapma so today we will discuss about soapma in details so I already discussed in previous video bioinformatics so soapma is also belongs from the bioinformatics topics okay सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ सो वाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ सोपमा तो सेल्फ ऑप्टीमाइज प्रोडिक्शंस मेथड्स विथ अलाइनमेंट्स राइट सोपमा मीन्स क्या हो गया है कि सेल्फ ऑप्टीमाइज प्रोडिक्शंस मेथड्स विथ अलाइनमेंट्स डेट मीन्स कि इसका मतलब हो गया कि ऑप्टीमाइज प्रिडिक्ट प्रिडिक्शंस मैथड्स है ओके okay, ये क्या है प्रिडिक्शन मैथड्स है कि इसका प्रोटीन्स का प्रिडिक्शन मैथड्स है ठीक है और तो इसमें क्या होता है बेसिकली सोपमा में सोपमा में बेसिकली क्या होता है एक ऐसा टूल है ये एक सॉफ्टवेयर है बायो इनफॉर्मेटिक्स का जिसमें क्या होता है आपका प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का क्या होता है प्रिडिक्शंस होता है ठीक है प्रिडिक्शंस होता है कि उसके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स के उसका प्रिडिक्शंस होता है कि कितने प्रोटीन में कितने तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं uh, क्योंकि सेकेंडरी प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के ही बेसिस पर प्रोटीन के फंक्शंस और उसके फंक्शंस uh, और वर्क उसके प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं प्रोटीन्स के ओके सो लेट्स स्टार्ट एवरी प्रोटीन अचीव द यू कैन सी सीयर एवरी प्रोटीन अचीव द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रजेंट इन द गिवेन प्रोटीन सिक्वेंसेस ठीक है जितने भी प्रोटीन्स होते हैं एवरी प्रोटीन जितने भी प्रोटीन होते हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को अचीव करते हैं ठीक है वो किसे डिटरमाइंड होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो अचीव करते हैं वो किसे डिटरमाइंड होता है अमाइनो एसिड्स के नेचर से ठीक है अमाइनो एसिड्स के नेचर से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर एनी गिहेन प्रोटीन बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोवाइड्स अ टूल टू प्रिडिक्ट देंड्री स्ट्रक्चर प्रजेंट इन फॉर्म ऑफ अल्फ़ा एलिक्स बीटा प्लेटेड लूप टर्न्स ई टी सी राइट सो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी प्रोटीन्स है जो भी गिविन दिया हुआ प्रोटीन्स है जो भी प्रोटीन्स प्रोटीन दिया हुआ है बायो इंफॉर्मेटिक्स क्या फैसिलिटी एक फैसिलिटी एक, एक प्रोवाइड करता है टूल्स प्रोवाइड किया एक टूल्स डेवलप्ड किया सोखमा टूल्स जो किसमें हेल्पफुल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोडिक्स इन द सेकेंड्री स्ट्रक्चरस ऑफ प्रोटीन साइट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ किस का फॉर्म में अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड सीट लूप टर्मस के फॉर्म में वो प्रेडिक्ट करने में हेल्पफुल करता है हेल्प करता है ठीक है सोपमा तो वही लिखा हुआ है कि फॉर एनी गिवेन प्रोटीन जो भी प्रोटीन दिया हुआ प्रोटीन है जिसको हम लोग टारगेट किए हैं डिजाइड किए हैं ठीक है उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट uh, करता है किसके फॉर्म में अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में बीटा प्लीटेड लूप टर्न के फॉर्म में ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनफैक्ट स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय द रोटेशन अराउंड फाइ एंड साई एंगल फॉर्म्ड ऑन द आइदर साइड ऑफ द पिप्टाइड बॉन्ड ठीक है और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स uh, के वो किसके थ्रू किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है रोटेशंस के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं ऑल राइट रोटेशंस के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं right. है. जो पेप्टाइड बॉन्ड के आदर साइड प्रेजेंट होते हैं कौन से कौन साई और फाई एंगल जो बनते हैं ओके okay. उससे डिटरमाइन होता है उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोडिक्शन प्रिडिक्शंस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्रोटीन इज एसेंशियल एज इट फॉर्म्स मोटिव एंड डॉमिन्स एट विच द इंटर मॉलिकुलर इंडक्शन टेक्स प्लेस ठीक है जो प्रोडक्शंस प्रोटीन स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है प्रोटीन का वो क्या है नेसेसरी एसेंशियल हो जाता है कब जब वो कोई न्यू जब कोई न्यू प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर्स आता है न्यू प्रोटीन्स का अन नोन न्यू अननोन नोन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर्स आता है तो उसको जानना क्या हो जाता है ज़रूरी हो जाता है ठीक है इसलिए सोपमा का डेवलप्ड mhm, होना इसलिए सोपमा को डेवलप किया गया है किया गया है न्यूली प्रोटीन्स को प्रिडिक्ट करने के लिए ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इवेन एवरी फंक्सन एंड अस्ट्रक्चरल प्रोटीन नीड्स अ पार्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ठीक है और राइट जितने भी इवेन एवरी फंक्सन एंड अस्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को क्या चीज़ का है? Particular specific, uh, structures की जरूरत है पार्टिकुलर इस्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है पार्टिकुलर स्पेसिफिक इस्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है क्योंकि तभी वो उसको इसके अकॉर्डिंग अपना फंक्शंस को आगे कंटिन्यू कर पाएगा ओके नेक्स्ट okay? देखते हैं बिफोर एनी वन वांट्स टू मोडिफाई एनी प्रोटीन्स इट्स प्रेयर नॉलेज टू टू सेकेंड्री स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड ठीक है ऑल राइट कोई भी बिफोर एनी वन वांट्स टू मोडिफाई एनी प्रोटीन्स कोई भी प्रोटीन्स को मोडिफाई करना चाहता है यूज़ करना चाहता है तो उसके पहले उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को जानना जरूरी है ठीक है रिक्वायर्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को जानना क्या है रिक्वायर्ड है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोवाइड्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एनालाइज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत ही अच्छा अपना रोल प्ले कर रहा है ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोपमा सोपमा यस सोपमा इज अ सच टूल विच इज बेस्ट ऑन द होमोलोग मैथड्स ऑफ द मेथड ऑफ लेविन एटॉल ओके लेविन एटॉल मतलब लेविन एटॉल लेविन एक साइंटिस्ट एट एटॉल मतलब उसके जो आ, आ, क्या कह सकते हैं उसके जो सलाह मतलब कि उसके साथ जो काम किए सहयोगी ठीक है लेविन एटॉल उसके साथ जो सहयोगी है उसको क्या कहा गया एटॉल कहा गया ठीक है जो सपोर्टर्स थे उसके सपोर्ट उसके जो हेल्पर किए हेल्प किए ठीक है, है वही हो गया एट ऑल लेविन ऑल साइंटिस्ट ने नाइनटीन एटी सिक्स में डेवलप किया सोपमा टूल को ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेट वेट यस हम लोग यहाँ पे थे राइट हम्म द इम्प्रूवमेंट टेक्स प्लेस बिकॉज सोमा टेक इन टू अकाउंट द इंफॉर्मेश फ्रॉम एन अलाइनमेंट ऑफ सिक्वेंसेस बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली ठीक है सेम फैमिली से भी जो बिलोंग करता है उसका भी वो इंफॉर्मेशन अपने में क्या कर रहा है सबमिट करके रखा है अकाउंट करके रखा है अपने में कॉलेक्ट करके रखा है ठीक है इम्प्रूवमेंट सो द इम्प्रूवमेंट टेक्स प्लस बिकॉज इम्प्रूवमेंट इसमें होता ही रहता है ठीक है इम्प्रूवमेंट होता ही रहता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इट इट टेक्स प्लस इट टेक्स सेवरल मिनट्स टू कम्प्यूट लार्ज सिक्वेंसेस ठीक है टू कंप्यूट लार्ज सिकवेंसेस लार्ज सिक्वेंसेस को कम्प्यूट करने के लिए एनालाइज करने के लिए वो कितना मिनट्स uh, ले सकते हैं सेवरल मिनट्स मैनी मिनट्स ले सकता है ठीक है जो ग्रेटर देन फाइव हंड्रेड अमाइनो एसीड से ग्रेटर होता है ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइव्रेड या यहाँ तक हो गए दिस मेथड कैन बी एक्सेस्ड बाय एन पी एस एके एन पी एस ए दिस मेथड इज कैन बी एक्सेस्ड बाय एन पी एस ए नेटवर्क प्रोटीन सिक्वेंस एनालाइजर ठीक है एन पी एस ए है राइट एन पी एस ए का इसका क्या है सर्च करने का एक क्या नेटवर्क है ओके okay? इसका प्रोटीन सीक्वेंस को सर्च करने का एक नेटवर्क है नेटवर्क प्रोटीन सिक्वेंस एनालाइजर ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सो थ्रू सर्वर डब्लू डब्ल्यू डॉट एन पी एस एप बिल डॉट आई बी सी पी डॉट एफ आर स्लैस ओके सो दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ द सोप मा यू कैन से दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ द सोप मा जिसे का यूज करके हम लोग क्या करते हैं सेकेंडरी कोई भी प्रोटीन का सेकेंड्री अस्ट्रक्चर्स को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफ़ द यूजर एंटर्स ओ माई गॉड वाट इज़ दिस डू डके okay. what happened? Yes, so हम लोग देखते हैं इफ द यूजर एंटर्स एन अनोन प्रोटीन सिक्वेंस अगर कोई भी यूजर्स अनोन प्रोटीन सिक्वेंस को एंटर करता है तो इट विल सर्च अगेंस्ट अ कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड प्रोटीन्स इन द डाटा बेस दैट हैव सम सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज ओके इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी यूजर्स अनोन प्रोटीन सिक्वेंस को सर्च करता है ठीक है सोपमा में तो उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड जितने भी डाटा हैं ठीक है थीके? उससे रिलेटेड उससे सिमिलर मिलता जुलता ठीक है जितना भी डाटा है सब के सब वहाँ पर क्या होता है सो ऑफ हो, होने लगता है सो ऑन होने, होने लगता है ठीक है फिर क्या नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेप्स और प्रोसीजर अब हम लोग सोपमा को आ, सोपमा में कैसे कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को कैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसका क्या स्टेप यहाँ दिया हुआ ओके सो ओपन द सोपमा होम पेज बाय सिंपली लॉग इन सर्वर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे गूगल पे जाएंगे ठीक है और सोपमा लिख के हम लोग अगर सिंपली अगर इससे नहीं भी खुलता ये हमारा सोपमा का वेबसाइट अगर इससे नहीं खुलता है तो सिंपली हम लोग सोपमा भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जाके हमारा सोपमा वेबसाइट होम पेज खुल जाएगा ओके उसके बाद इनपुट में क्या करना है नेक्स्ट यहाँ दिख रहा है ओपन के एंटर द इनपुट प्रोटीन सिक्वेंस इन टेक्स्ट फ़ फास्टा साइन इज़ देयर ओके अब क्या करें कि हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि फास््टा से कॉपी करके प्रोटीन को फास्टा से कॉपी करके जाकर कहाँ पर पेस्ट करना है सोपमा का होम पेज में जाके के पेस्ट करना ओके okay? हम लोग आगे से डिटेल में देखेंगे ठीक है पहले हम लोग पहले हम लोग मैं बताती हूँ वेट क्या हो रहा है यार यस yes. यस yes. अब ठीक है हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले कि कहाँ थे हम लोग हाँ यहाँ थे सबसे पहले हम लोग को कहाँ जाना है एन सी बी आई में जाना है ठीक है एन सी बी आई जाके सर्च करना है गूगल में जाना है गूगल पे जाना है सबसे पहले फिर वहाँ पे सर्च करना है एन सी बी आई एन सी बी आई हम लोग का खुल जाएगा ठीक है एन खुल जाएगा उसके बाद एन खुल जाएगा उसके बाद हम लोग को फिल्टर करना वहाँ प्रोटीन और प्रोटीन को भी प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन हम लोग एलब्यूनिम एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स का हम लोग को सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करना है ठीक है ह्यूमेंस का एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स का एन में एन में गए हम लोग एल्ब्यूनियम प्रोटीन को सर्च करा फास्ट फॉर्मेट में हम लोग सर्च करेंगे फास्ट ऑफ फॉर्मेट में हम लोग सर्च करेंगे ठीक है उसके बाद क्या होगा ठीक है फास्टा हम लोग सर्च कर लिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कॉपी करेंगे कॉपी करेंगे देन जो कॉपी किया हुआ है UH, हम लोग सोपमा अनदर अनदर टैब में हम लोग सोपमा खोल के रखे हुए रहेंगे सोपमा खोल के रखेंगे और जो कॉपी किया हुआ जो फास्टा से हम लोग जो कॉपी किए थे फास्टा से जो हम लोग कॉपी किए थे वो जाके कहाँ पेस्ट कर देना है सोपमा में जाके पेस्ट कर देना उसके बाद हमारा रिजल्ट सामने होगा ओके अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी इसे इसे समझेंगे तो वही लिखा हुआ है कि ओपन द सोपमा होम पेज बाय सिंपली लॉग इन सर्वर से हम लोग वेबसाइट से सोपमा को ओपन करेंगे और वहाँ पर जो कॉप जो हमारा फास्टा में जो साइन किया हुआ कॉपी किया हुआ था हमारा टेक्स्ट uh, फॉर्मेट जो जो भी हमारा सीक्वेंस कॉपी किया हुआ था उसको जाके सोपमा uh, में जाके पेस्ट कर देना है ठीक है एंड एंड क्या करना है क्लिक क्लिक द सबमिट बटन पे क्लिक करना है नीचे सबमिट बटन होगा वहाँ पे क्लिक करना है एंड द सेकेंडरी एंड द सेकेंड्री स्ट्रक्चर रिजल्ट अपीयर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का रिजल्ट अपीयर होगा सो हम लोग नीचे देख सकते हैं द रिजल्ट विल अपीयर लाइक दिस एज डिस्प्लेट बिलो लुक एट हेयर यू कैन सी है दिस इज दिस इज द सोपमा दिस इज द सोपमा होम पेज सोपमा का होम पेज है सो यू कैन सी हेयर दिस इज़ द यहाँ पर हम लोग एंटर की है कि होम पेज का की है यहाँ पर एंटर की पेज एंटर की सिक्वेंस है यहाँ पर हम लोग अपना सिक्वेंस पेस्ट करेंगे ओके okay? यहाँ पर हम लोग अपना सिक्वेंस क्या करेंगे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे सबमिट में ही okay? हम लोग सबमिट कर देंगे ओके हम लोग फास्ट हम लोग एन सी बी आई से फास्टर से सर्च करके लाएँ सिक्वेंस और यहाँ पर सीक्वेंस का नाम देना है जैसे अल्ब्यूमिन जो भी हमारा सीक्वेंस है वो हमारा सीक्वेंस का नाम देना है तो हम लोग यहाँ सबमिट करेंगे तो हम लोग सबमिट करने के बाद हमारा रिजल्ट ऐसा कुछ दिखेगा ओके सो यू कैन सी हर हम लोग का रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ किसका हम लोगों ने सर्च किया था अलब्यूमिन का हम लोगों ने सर्च किया तो so, होमोसेपियंस के अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स का हम लोग प्रोडिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स का प्रोडिक्सन हम लोगों ने सर्च किया सो यू कैन सी इकते हो सो दिस इज यहाँ तक हमारा क्या टोटल दिस इज पूरा ऑल ओवर द प्रोटीन्स टोटल प्रोटीन्स एल्ब्यूमस का ह्यूमन्स का दिखा रहा है ठीक है सो द सिक्वेंस लेंथ सिक्वेंस लेंथ इज़ सिक्स हंड्रेड नाइन टोटल सिक्वेंस लेंथ कितना है सिक्स हंड्रेड नाइन है अल्ब्यूमिनस का ह्यूमेन प्रोटीन्स का और यहाँ यू कैन सी हेयर वेट इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ जूम यस अल्फा एलिक्स यू कैन सी अल्फ़ा एलिक्स को हम लोग किसे डिनोट करते हैं कैपिटल एच स्मॉल एच तो फोर हंड्रेड नाइन है ओके थ्री थ्री टेन हेलिक्स जी जी हेलिक्स है यह नॉर्मल हेलिक्स हो गया ये जीरो है ठीक है पाई हेलिक्स टी आई आई ए बी जीरो है बीटा ब्रिज बी बी जीरो है एक्सटेंडेड स्टैंड ई e, ई e, ये कितना थर्टी वन है हमारा फिर बीटा टर्न टी टी ट्वेंटी सेवन है बेंड रेजन जीरो है ऐसे से डिनोट करते हैं रैंडम को एल सी सी वन फोर्टी टू है ओके एंड अदर इज़ जीरो यू कैन सी यर दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर यही है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का प्रोडिक्शन ओके दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोडिक्शंस यू कैन अल्सो यू कैन सी ऑल्सो हेयर ग्राफ्स ओके इन द ग्राफ फॉर्म्स ओके सब क्या समरी दिया हुआ है सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द शोपमा सो तो यू क्वेंसी हेयर एज सोन हेयर फर्स्ट लाइन एज प्रोटीन सिक्वेंस डिस्प्लेड इन दिंगल अल्फाब रिप्रेजेंटेशन बिलो दिस सिक्वेंस लेंथ इज गिवेन फॉर एग्जाम्पल हेयर इट इज़ अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल सिक्स हंड्रेड नाइन सिक्स हंड्रेड नाइन क्या है सिक्वेंस लेंथ है सिक्वेंस लेंथ है प्रोटीन्स का ओके एंड देन सेकेंड लाइन में हमारा क्या लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन टू स्पेसिफिक रीजन्स सबका नेम लिया से जैसे ई ई एक्सटेंडर जी जी जीरो हेलिक्स था टी टी बीटा टर्न हमारा कितना था बीटा टर्न ट्वेंटी सेवन था ओके एंड एच एच अल्फा हेलिक्स फोर हंड्रेड नाइन था एस एस बेंड रीजन जीरो था ओके दिस इज़ द सो यू कैन से वी कैन से िसार दिस नंबर ऑफ़ द माइनोसिट्स इन्वॉल्व गिवेन एंड देन परसेंटेज ऑफ द पार्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म परसेंटेज भी दिया हुआ था ओके बिलो दिस बार डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बिलो दिस बार डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड सो बार बार डायग्राम हम लोगों ने देखा दिस इज द बार डायग्राम ओके दिस इज द बार डायग्राम स एंड लास्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज डिस्प्लेड एवरी रिप्रेजेंटेशन इज डिस्टिंग बट डिफरेंट कलर ओके एवरी रिप्रेजेंटेशन दिस इज द ग्राफिकल दिस इज द ग्राफिकल डाइग्राम दिस इज द डायग्राम ओके विथ डिफरेंट कलर्स सो इन कंक्लूजन्स में हम लोग क्या कह सकते हैं इन कंक्लूजन्स में कह सकते हैं फ्रॉम एवर फैक्ट वी कैन से दैट द ये क्या बोलते हैं इसको सोपमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू प्रिडिक्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स सो दैट्स ऑल ये था हमारा सोपमा एंड ये है जो हम लोगों ने सर्च किया था अलब्यूमिन uh, अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स हम लोगों ने सर्च किया था कहाँ था एन में जा के सर्च किया और उसको कॉपी करके यहाँ से हम लोग को एन सी बी आई में जाके ये चीज़ कॉपी नहीं करनी ओके ये चीज़ कॉपी नहीं करनी यहाँ से कॉपी करनी है जहाँ एम एम लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक तो कॉपी करनी है ओके ये चीज़ कॉपी नहीं करनी हम लोग को केवल टेक्स्ट कॉपी करना ओके उसके बाद ही हम लोग को रिजल्ट दिखेगा सो दैट्स ऑल एवरी वन ये था हमारा सोपमा सो so, अगर हम लोग सोपमा का रिजल्ट भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं ओके okay? गूगल में जाके आई यू कैन ट्राई आप लोग जाना और ट्राई करना अपने से खुद से ट्राई करना गूगल पे ओके सो थैंक यू बाय बाय आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में